वेलकम बैक गाइज। अभी यार ध्यान से सुनना, क्या हो कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक ऐसा लैपटॉप मिल जाए जो आने वाले 4-5 सालों तक चले, उसमें प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच निकले और आपको उसे रिप्लेस करने की भी जरूरत ना पड़े। क्या लगता है ऐसे लैपटॉप के लिए कितना बजट होना चाहिए? क्या लगता है कितना टाइम लगा, क्या अंदाज़ा बता? आंसर है 75,000। तो अगर आपका बजट 75,000 रुपीज है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद 4 लैपटॉप सिलेक्ट किए जो आपको 75,000 रुपीज में कमाल की वैल्यू ऑफर करेंगे। विद दैट सेड, लेट्स गेट आउट ऑफ द बिजनेस। ऑल राइट, शुरुआत करते हैं नंबर 4 की पोजीशन से। तो इस पोजीशन पर मैंने रखा है Asus TUF Dash F15 के 2021 एडिशन को। अब दोस्तों ये जो लैपटॉप है ना, ये इस लिस्ट का सबसे सुंदर और सबसे टिकाऊ लैपटॉप है और इसका वेट भी बहुत कम है, सिर्फ 2 kg का ये गेमिंग लैपटॉप आपको इस लिस्ट में देखने मिलने वाला है। और उससे भी अच्छी बात, ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है जो कि व्हाइट कलर में भी अवेलेबल होता है, जो कि काफी कमाल का दिखता है। अगर मैं बात करूं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो लैपटॉप में आपको i5 11th जन का CPU देखने मिलता है। CPU काफी अच्छा है, प्रोडक्टिव है और आपके सारे काम में बड़ी ही आसानी से कर सकता है। अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में आपको RTX 3050 का लेटेस्ट 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने मिल जाता है। तो इसका CPU एंड GPU दोनों लेटेस्ट है, जो कि काफी कमाल की परफॉर्मेंस आपको ऑफर करने वाले हैं। इसी के साथ आपको 15.6 इंचेस की 144 हर्ट्ज वाली एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जिसमें गेमिंग करने के अपने ही मजे हैं। लैपटॉप में 8GB रैम, 512GB की SSD भी आपको देखने मिल जाएगी। दोनों को, मतलब रैम को और स्टोरेज को, आप अपग्रेड कर सकते हो फ्यूचर में जैसे आपकी जरूरत पड़ी। और इसका जो कीबोर्ड है ना दोस्तों, वो भी काफी बढ़िया है, डेस्कटॉप स्टाइल इसमें आपको कीबोर्ड देकर रखा है। इसका की ट्रैवल डिस्टेंस और टाइपिंग फीडबैक वगैरह काफी बढ़िया इस टफ सीरीज में हमें देखने मिलता है। हाँ, ये कीबोर्ड एक RGB कीबोर्ड नहीं है, अगर RGB होता तो और भी ज्यादा मजा आता गेमिंग वगैरह करने में। व्हाइट कलर का कीबोर्ड आपको इस लैपटॉप में देखने मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। अगर मैं बात करूं बैटरी की ना, तो दोस्तों इसमें 76 वॉट आवर की 4 सेल की बैटरी देखने मिलती है, जो कि काफी बड़ी है और आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड कर देगी। लैपटॉप के थर्मल्स काफी एक्सेलेंट है, तो इसकी परफॉर्मेंस एंड थर्मल की वजह से मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की ना, तो ये ऑलरेडी अभी के टाइम पे इसके लोवेस्ट प्राइस पे चल रहा है। इसकी प्राइसिंग है 75,990 रुपीज और इसके ऊपर आपको एडिशनल बैंक डिस्काउंट वगैरह भी मिलने वाले हैं सेल के टाइम में। वैसे सारे लैपटॉप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगा, अगर आप बाय करने वाले हो तो उन्हें डेफिनेटली चेकआउट करना। ऑल राइट, हम बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि आता है नंबर 3 की पोजीशन पर। तो इस पोजीशन पर मैंने रखा है Asus TUF गेमिंग A15 को। आप कहोगे कि भाई विक्रम को Asus से पैर तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है दोस्तों, लैपटॉप काफी अच्छा है, इसी वजह से मैंने इसे टॉप 3 की पोजीशन पर रखा है। अगर हम बात करें डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की ना, तो इसे देखते ही पता चल जाता है कि ये गेमिंग लैपटॉप है और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई पहले से ही बढ़िया थी और 2021 मॉडल में भी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी रखी गई है। दोस्तों इस लैपटॉप को मैं पिछले वीडियो में रिकमेंड नहीं कर पाया था और आपने काफी सारे कमेंट किए थे, तो इसी वजह से पता चलता है कि इस लैपटॉप की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है इंडियन मार्केट में। अगर मैं बात करूं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो लैपटॉप में आपको 1.5 साल पुराना Ryzen 7 4800H CPU देखने मिलता है। लैपटॉप का CPU काफी पुराना है, बट इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। लैपटॉप में आपको 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स वाला CPU देखने मिलता है। आज के दिन में भी ये टॉप 10 CPU के अंदर आता है, तो डेफिनेटली इसे कंसीडर किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स कार्ड की, तो इस लैपटॉप में आपको RTX 3050 वाला लेटेस्ट 4GB ग्राफिक्स कार्ड देखने मिल जाता है, जो कि अभी के टाइम पे इस बजट में बेस्ट GPU है जो कि आप बाय कर सकते हो। अगर हम बात करें डिस्प्ले की ना, तो इस लैपटॉप में भी आपको 144 हर्ट्ज वाला 15.6 इंचेस फुल HD IPS डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो कि काफी कमाल का है और हायर रिफ्रेश रेट होने की वजह से आपको गेमिंग करते समय इसमें बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। बाकी लैपटॉप में 8GB रैम मिल जाएगा आपको, 512GB की SSD मिल जाएगी। इसके रैम को भी एक्सपांड किया जा सकता है और स्टोरेज को भी इस लैपटॉप में एक्सपांड किया जा सकता है, तो एक्सपांडेबिलिटी की दिक्कत इस लैपटॉप में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके कीबोर्ड की ना, दोस्तों इसका कीबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है गेमिंग लैपटॉप के अंदर और इसका ट्रैकपैड भी आई थिंक गेमिंग लैपटॉप में सिर्फ एक लौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको ट्रैकपैड में लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक दोनों सेपरेट देखने मिलते हैं, अनलेस अदर लैपटॉप जिसमें आपको ये बटन देखने ही नहीं मिलते। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि इस लैपटॉप को रिकमेंड करने जैसा बनाती है, भले ही लैपटॉप थोड़ा सा पुराना ही क्यों ना हो। और भाई इस लैपटॉप में आपको प्रॉपर RGB के मजे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड देकर रखा हुआ है, तो
गेमिंग के मजे इसमें डेफिनेटली काफी ज्यादा आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं बैटरी की ना, तो इस लैपटॉप की बैटरी भी काफी अच्छी है। इस लैपटॉप में आपको 90 वॉट की 4 सेल वाली बैटरी देखने मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड भी करती है। दोस्तों लैपटॉप थोड़ा सा हेवी है, इसका वेट जो है वो 2.3 kg का है, तो अगर आप इसे लेकर ट्रैवल वगैरह करने वाले हो तो इसका वेट आपको डेफिनेटली फील होने वाला है। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की ना, तो अभी के टाइम पे इसकी प्राइसिंग 76,990 रुपीज है, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन सेल टाइम के अंदर इस लैपटॉप की प्राइसिंग 74,990 रुपीज होने वाली है। इसके ऊपर से आपको बैंक ऑफर भी मिलेंगे, तो ये लैपटॉप आपको काफी अच्छे कीमत पे मिल सकता है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि आता है नंबर 2 की पोजीशन पर, और इस पोजीशन पर मैंने रखा है Lenovo IdeaPad Gaming 3 के लेटेस्ट लॉन्च लैपटॉप को। दोस्तों ये लैपटॉप भी काफी बढ़िया है, इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, डिसेंट सी है, और इसके मेन स्पेसिफिकेशन भी सब कुछ लेटेस्ट है। जैसे कि आपको इस लैपटॉप में Ryzen 5 5600H का पावरफुल सीपीयू देखने मिल जाता है, जो कि एकदम लेटेस्ट है, जिसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने मिलते हैं। इसी के साथ आपको RTX 3050 वाला 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने मिल जाता है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली है। लैपटॉप में आप गेमिंग करो, एडिटिंग करो, प्रोडक्टिविटी के कोई सा भी काम कर लो, इस लैपटॉप में बड़ी ही आसानी से वो सब कुछ हो सकता है। आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए लैपटॉप में 120Hz वाली डिस्प्ले देकर रखी है, जो कि 15.6 inches फुल HD IPS पैनल वाली डिस्प्ले है, जो कि एक एंटी ग्लेयर भी है, तो इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, स्टैंडर्ड सा है। इस बजट के अंदर हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस की, तो लैपटॉप में आपको 8GB DDR4 की रैम देखने मिल जाएगी, और आपको 512GB की NVMe SSD इस लैपटॉप में देकर रखी है। अच्छी बात यह है कि दोनों को, मतलब रैम को और स्टोरेज को, आप अपग्रेड कर सकते हो जैसे आपके फ्यूचर में जरूरत पड़ती है, तो ये काफी अच्छी बात इस लैपटॉप की है। कीप इन माइंड, इस लैपटॉप में भी आपको RGB कीबोर्ड नहीं देखने मिलता, लेकिन इसकी जगह पर आपको एक ब्लू बैकलाइट कीबोर्ड देखने मिल जाता है, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना बुरा भी नहीं दिखता। काफी गुड लुकिंग लैपटॉप आपको इस बजट में देखने मिलता है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव पॉइंट की ना, तो इसका जो बैटरी बैकअप है एंड जो बैटरी है वो काफी इसका नेगेटिव पॉइंट में आता है। लैपटॉप में आपको 3 सेल की 45 वाट की बैटरी देखने मिल जाती है, जो कि आपको एक डिसेंट सा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा देती है। दोस्तों लैपटॉप में सब कुछ आपको लेटेस्ट देकर रखा है, इसका CPU GPU काफी लेटेस्ट है, तो आने वाले 3-4-5 सालों तक ये जो लैपटॉप है ये आउटडेट नहीं होगा, आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस उस टाइम पे भी ऑफर कर सकता है। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की ना, तो इसकी जो अभी की प्राइसिंग है वो काफी अच्छी है। ये लैपटॉप अभी 73,990 रुपीस में ऑनलाइन मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी प्राइसिंग है, और इसके ऊपर आप बैंक ऑफर वगैरह लगा लो तो ये लैपटॉप आपको और सस्ता मिल सकता है बिग बिलियन एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। ऑलराइट दोस्तों, मैंने आपको 3 बेहतरीन लैपटॉप 75,000 रुपीस के अंदर सजेस्ट कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इस बजट को टॉप करने वाले अल्टीमेट लैपटॉप के बारे में, लेकिन उससे पहले यार प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अभी तक आपने नहीं किया है। तो बात करते हैं नंबर 1 लैपटॉप की, जो कि आता है एसर की तरफ से, एसर नाइट्रो 5 2021 एडिशन। देखो भैया, ये लैपटॉप जो है ना, ये अल्टीमेट गेमिंग चैंपियन है अंडर 75,000 रुपीज। एक्चुअली इसकी प्राइसिंग ज्यादा है, बट सेल टाइम में आपको ये अच्छे प्राइसिंग पे मिलने वाला है। एक बार इसके स्पेसिफिकेशन भी देख लो। लैपटॉप में आपको i5 11th जन का CPU देखने मिल जाता है, जो कि 11400H ये CPU है, जिसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने मिलते हैं। अब ऑनेस्टली ये CPU एज क्लोज एज Ryzen 5 5600H के जितना है, और कुछ कुछ मामलों में ये Ryzen 5 5600H को भी पीछे छोड़ देता है। तो ये CPU काफी पावरफुल है, आपको इस CPU में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप गेमिंग करते हो, प्रोडक्टिविटी करते हो, या फिर हेवी से हेवी सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप में चलाते हो तो। दोस्तों लैपटॉप का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी काफी बढ़िया है। आपको इस लैपटॉप में RTX 3050 वाला डेडिकेटेड 4GB ग्राफिक्स कार्ड देखने मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट है। आप इसमें रे ट्रेसिंग, DLSS सबके मजे ले सकते हो। और यार आप 75,000 रुपीस स्पेंड कर रहे हो, तो आपको RTX 3050 के नीचे कोई भी लैपटॉप लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अगर मैं बात करूं इस लैपटॉप की डिस्प्ले की, तो भाई लैपटॉप में आपको 144 हर्ट्ज वाली फुल HD IPS पैनल वाली डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो कि 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है। तो लैपटॉप की डिस्प्ले काफी अच्छा है, CPU एंड GPU काफी पावरफुल है, तो इसीलिए मैंने इस लैपटॉप को नंबर 1 की पोजीशन पर रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस लैपटॉप में आपको 8GB DDR4 की रैम देखने मिल जाएगी, जिसे आप एक्सपांड कर सकते हो। लैपटॉप में 1TB हार्ड ड्राइव, 256GB SSD, मतलब आइडियल कॉम्बिनेशन इस लैपटॉप में देखने मिल जाएगा। इतने स्टोरेज में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है।
लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। ओवरऑल लुक से लेकर परफॉर्मेंस तक लैपटॉप में कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, लैपटॉप का जो वेट है ना वो भाई 2.4 केजी का वेट है, तो डेफिनेटली काफी हेवी है। आप इसे लेकर ट्रैवल वगैरह करते हो तो इसका वेट आपको डेफिनेटली फील होने वाला है। वहीं पर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो दोस्तों देखो इसकी जो अभी की प्राइसिंग है वो है 79,990 रुपीज, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेल टाइम में इसकी प्राइसिंग 72,990 रुपीज होने वाली है। इसके ऊपर आपको बैंक ऑफर वगैरह भी मिलने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने इस लिस्ट को टॉप करते हुए एसर नाइट्रो 5 को रखा है। अगर आपका बजट 75,000 रुपीज है ना, तो ये एकदम अल्टीमेट चॉइस होने वाली है आपके लिए। देखो क्या देखो, मैं चाहता तो आपको और भी लैपटॉप सजेस्ट कर देता था, लेकिन 75,000 रुपीज में मैं मानता हूँ कि इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और ज्यादा ऑप्शन देकर मुझे आपको कंफ्यूज भी नहीं करना है। तो अगर आज की डेट में मेरे पास 75,000 रुपीज होते तो मैं डेफिनेटली एसर नाइट्रो 5 को खरीदता बिना किसी डाउट के। अगर आपके पास पैसे होते तो आप कौन सा खरीदते मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे यार, तू कुछ सोच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।